हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 9 है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और जो क्वेश्चन चैप्टर इसमें बचे हैं जैसे कि चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, चैप्टर नंबर 8 रिप्रोडक्शन, तो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, ठीक है। जो टॉपर्स बच्चे हैं, जो मेरिट में आने वाले हैं, ठीक है, वो सब कुछ पढ़ना, जितना मैंने चैनल पे डाला है ना, आप सीरियल वाइज सारे साइंस की लिस्टें निकालना और सब कुछ पढ़ना, ठीक है। और लेकिन जो मीडियोकर हैं या फिर वीक स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ क्या करेंगे, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ बस आप वही कर लो, और पंजाब बोर्ड का जो सैम्पल पेपर मैंने पहला डाला था वो सॉल्व कर लो बस। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ 40 में से 35 मार्क्स का वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो है मैं आपको डिस्कस, अच्छा बेटा एक चीज़ और है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, कई बच्चे कह रहे हैं कि मैम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करो पीडीएफ, तो बेटा उसकी पीडीएफ मैं नहीं दे सकती हूँ। बाकी मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है सैम्पल पेपर की, शांति गैस पेपर की, हिंदी मीडियम, पंजाबी मीडियम, इंग्लिश मीडियम की, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको बुक खोल के साथ मेरे साथ टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको सीधे वीडियो में टिक मार्क करके बताया हुआ है। इसकी पीडीएफ नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बनानी थी, आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, आप चैनल पे देख सकते हो, तो उसके लिए टाइम लगता है पीडीएफ बनाने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट बुक ओपन करके और आपको डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन टिक लगवा दिए हैं, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ नहीं मिल पाएगी, इसलिए आप बुक ओपन करो, साथ के साथ पेज नंबर ओपन करो और वहाँ पर टिक मार्क करते जाओ, ठीक है। तो चलो फटाफट हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। एक चीज़ और कहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ठीक है। वैसे बच्चों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है तो इसके लिए थैंक यू। फर्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बेटा अगर आप पंजाबी मीडियम में हिंदी मीडियम के बच्चे देख रहे हो तो चैप्टर आपके सेम है, ब्लू प्रिंट्स क्वेश्चन सेम है, ठीक है, बस आपका वो लैंग्वेज हिंदी में तो मैं समझा ही रही हूँ, आप हिंदी में टिक मार्क कर लो। पंजाबी बेटा मेरे को आती नहीं है इसलिए पंजाबी में आपको मेरे साथ कॉपरेट करना पड़ेगा और इसको समझ के आप बुक खोलो और समझ के उस चैप्टर को ओपन करके टिक लगा लो, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये आपको नहीं करना है, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, अच्छा इसकी लेबलिंग कर लेना, ठीक है, मैं साथ के साथ लेबलिंग वाले भी क्वेश्चन बताते जा रही हूँ, इसकी लेबलिंग कर लेना। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन आपका, पेज नंबर दिखा देती हूँ, पेज नंबर 22, अगर बुक में आगे पीछे हो तो आप चेक कर लेना। यहाँ से आपने जो है फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है, और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो वैसे फर्स्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो मैं साथ के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता जाऊँगी, फर्स्ट है, बट आप दो क्वेश्चन कर लेना, फर्स्ट सेकंड दोनों कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ये पेज नंबर 25, ठीक है। यहाँ पर जो है ये ऑलमोस्ट सारे ही इम्पॉर्टेंट है, तो दो दो लाइन के आंसर हैं, सिर्फ आपको बताना है कि HCl HONO3 के एक्वस सॉल्यूशन कंपाउंड लाइक ग्लूकोज अल्कोहल में क्यों नहीं होता है, क्योंकि इनके पास हाइड्रोजन आयंस नहीं होते हैं, ठीक है, थीके? और ये एक्वस सॉल्यूशन एसिड कंडक्ट क्यों नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी बिना एक्वस सॉल्यूशन के, तो क्योंकि वो अगर एक्वस सॉल्यूशन में होगा तभी वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप कर लेना, ये 2-2 मार्क्स में इनमें से कोई भी आ सकते हैं। और अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो 2, 3 और यहाँ से 5, 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ से अगर मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपकी बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन, इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, ये है आपका लास्ट में, चैप्टर जब ख़त्म होता है तो इसमें ये आप क्वेश्चन कर लेना, CaOCl2 किसका नाम है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है।
और उसके बाद ये भी कर लेना क्वेश्चन, और उसके बाद आपको अगर इम्पॉर्टेंट करना है फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फोर्थ फिफ्थ कर लेना और फिफ्थ जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपने कौन सा करना है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट, ठीक है, साथ के साथ आपको बताती जा रही हूँ, आप अपनी बुक में भी टिक मार्क करते जाओ, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ठीक है, 13, 14, 15 तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो ये कर लेना आप, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 के, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, IUPAC नेम वगैरह, तो बेटा आपने चैप्टर अगर अच्छे से समझा होगा तो ही आपको पता होंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है इस चैप्टर में बच्चों को। चैप्टर आप अगर ध्यान से शुरू से पढ़ोगे ना फिर नहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली। थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, डाउनलोडिंग में टाइम लग रहा है, ठीक है, क्वेश्चन निकल ना जाए इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं। तो ये आ गए क्वेश्चंस, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी आपने इम्पॉर्टेंट है कर लेना है और सल्फर का स्ट्रक्चर भी कर लेना है, ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर कर लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट देखो कौन से पेज पे आता है, ये आ गया पेज नंबर 68। यहाँ पर आपने पेंटेन का आइसोमर बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ये दो क्वेश्चन कर लेना फर्स्ट और थर्ड, और आगे जो है आपका ये क्वेश्चंस यहाँ पर अगर तो ये चीज़ें तो बेटा अगर आपने चैप्टर समझा तो ये आएंगी, ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेना, नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। ज्वाइन ना हो टेलीग्राम तो यहाँ से अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड रहने देना, सेकंड की वैसे खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और बेटा मैं जो क्वेश्चंस बता रही हूँ इसमें ये बता रही हूँ, मैं आपको 99.9% की गारंटी ले रही हूँ, 1% हो सकता है आपके पूरे मतलब जितना भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उसमें 2-4 क्वेश्चन आपके पेपर में अलग आ जाएँ, बाकी ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन आने हैं आपके पेपर में, गारंटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आपको जो है ये दोनों ही क्वेश्चन करना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन करने हैं इस पेज के। अच्छा इसकी लेबलिंग कर लेना, इसकी लेबलिंग जरूर कर देना, ठीक है, ये लेबलिंग जरूर कर लेना, कई बार आ जाती है पेपर में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आई हुई है इसकी लेबलिंग, ठीक है, तो इसको कर लेना सॉफ्ट मॉलिक्यूल की। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ये दोनों क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। अब बैक एक्सरसाइज में चले जाते हैं, बैक एक्सरसाइज में आपको करना है सबसे पहले तो क्वेश्चन एक तो ये कर लेना फोर्थ, ठीक है, उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 होमोलोगस सीरीज, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना, ठीक है, हाइड्रोजनेशन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजनेशन वाला, और बस, और इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है, बस जितना मैंने बता दिया ना आप इतना कर लो, एक आधा कोई क्वेश्चन इधर उधर आ गया आ गया वैसे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखते हैं न्यूरॉन का डायग्राम कर लेना, ठीक है, डायग्राम वाले क्वेश्चंस मैं साथ के साथ बता रही हूँ, ठीक है, डायग्राम वाले क्वेश्चन साथ के साथ बताएं, न्यूरॉन वाला क्वेश्चन डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं क्वेश्चन, इसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, सेकंड भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना, मीन्स आपने यहाँ इस पेज पर 1, 2 और 4 करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये लेसन बच्चों को जल्दी से लर्न नहीं होता है,
तो कोई यहाँ से ना एक ये फोटोट्रॉपिज्म है, ये एक्टिविटी एक बार पढ़ लेना ताकि अगर फोटोट्रॉपिज्म आए तो आप पढ़ सको, लिख सको इसको, ठीक है। और एक ये जियोट्रॉपिज्म, ये भी कर लेना, ये वाला जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, ये भी एक बार पढ़ लेना। वैसे सैम्पल पेपर में मैंने इसका आंसर आपको बताया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 प्लांट हार्मोन कर लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका प्लांट हार्मोन। उसके बाद आपका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, प्रमोट द ग्रोथ ऑक्सिन। वैसे तो इनमें से ये ऑक्सिन वाला इम्पॉर्टेंट है, बट रहने तो छोड़ दो, आप प्लांट हार्मोन इसमें से कर लेना, ठीक है, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे इसकी लेबलिंग ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, दोनों की सेम है, बस आपको यहाँ पे जो है ये टेस्टीज है और यहाँ पे ओवरी है, बाकी सेम लेबलिंग है, ठीक है, इसकी लेबलिंग कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको जो है 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2nd, 3rd, 4th, आयोडीन वाला भी इम्पॉर्टेंट है आपका, एड्रिनलिन वाला भी इम्पॉर्टेंट है, और ये डायबिटीज़ वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपने ये तीनों क्वेश्चन करने हैं, 2nd, 3rd और 4th, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बैक एक्सरसाइज में। बैक एक्सरसाइज में आपको जो है क्वेश्चन करना है न्यूरॉन वाला, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म के बारे में मैंने अभी चैप्टर में आपको बताया था, ये कर लेना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद कोई क्वेश्चन मुझे खास नहीं लग रहा, बस इतना बहुत है इस चैप्टर में, ठीक है। चलिए अब अगला चैप्टर देख, चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो इसमें से आपको सिलेक्टेड बता देती हूँ मैं, यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेना है 2, ठीक है, 2nd क्वेश्चन कर लेना वेरिएशन वाला। उसके बाद आगे चलते हैं, इसके रेशियो पढ़ लेना, वैसे तो नहीं आएगी क्योंकि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो है नहीं, किसकी रेशियो आएगी। अच्छा, इसकी लेबलिंग कर लेना, जो लेबलिंग बताती जा रही हूँ ना वो ज़रूर कर लेना, ठीक है, इसकी लेबलिंग कर लेना। आगे जो बच्चे ध्यान से वीडियो को सारी देख रहे हैं ना, वो साइंस में मात खा ही नहीं सकते। मैं कह रही हूँ पेपर करके आएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैम हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ। लेकिन ये नहीं कि मैम ने बताया और सुन लिया और इधर से निकाल दिया, मैम ने बताया तो उसको पढ़ना है, पढ़ना तो आपने है ना, ठीक है, हमने नहीं पढ़ना है ना, ठीक है, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं। यहाँ से आप ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 3rd और 4th है। और चलिए आगे देखते हैं हम, यहाँ से आप जो है कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, छोड़ो ये सारे। अगले जाते हैं, यहाँ से आप कर दो एक क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, बस और कुछ नहीं करना यहाँ पर। ये कौन सा पेज नंबर था, पेज नंबर 151, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस, ये आ गया इवोल्यूशन। यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, फॉसिल्स वाला, ये कई बार पेपर में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ये वाला फॉसिल्स वाला कर लेना, ये पेज नंबर आपके 156 पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है कोई क्वेश्चन नहीं करना है, दोनों छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बैक एक्सरसाइज में आ जाते हैं, बैक एक्सरसाइज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, और इसमें से कुछ खास नहीं है, ठीक है, हेरिडिटी की डेफिनेशन कर लेना और कुछ खास नहीं है इसमें से, यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बाकी और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना मैंने आपको बताया ना इनको पढ़ लेना, ठीक है। मैं किन की बात कर रही हूँ, मैं वीकर और मिडियोकर की बात कर रही हूँ, टॉपर्स जितना मैंने आपको प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड किया, शांति गैस पेपर प्रोवाइड किया, सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया, आप सब कुछ पढ़ के जाओ। वैसे तो मेरी गारंटी है इसमें 99.9% कि यहीं से आएगा आपका पेपर, जितना मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट, बट बाई चांस 1, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इधर उधर से आ जाए तो आप कहोगे मैम 3 क्वेश्चन हम छोड़ा है ना, छोड़ना नहीं, छोड़ना कुछ नहीं, आप अपनी तरफ से जो उसके बारे में पता हो बना के लिख के जरूर आना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में बता देना, वैसे मैंने आपको साइंस की ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है, अगर मुझे कुछ और मटेरियल मिला तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर शांति गैस पेपर, मॉल टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर सबकी PDF पड़ी हुई है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।